हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर, और ये वीडियो लेक्चर होने जा रहा है एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत का। तो आज हम डिस्कस करेंगे साल 2023 के बारे में। साल 2023 जो हम सबकी लाइफ में बड़ा हिस्टोरिक रहा, बहुत सारे ऐसे चेंजेस या डेवलपमेंट्स हुए जो शायद हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेंगे। और इन्हीं चेंजेस में शायद सबसे पहला और सबसे फर्स्ट चेहरा जो था वो था तीन नए क्रिमिनल लॉ के बिल्स का, यानी कि तीन नए बिल जो कि पार्लियामेंट में प्रपोज किए गए। और हम में से शायद किसी को भी यह बात एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारी रियल लाइफ में इंप्लिकेट हो जाएंगे। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो आज की तारीख तक इस बिल को प्रेसिडेंट से असेंट मिल चुका है और यह केवल इंतजार कर रहा है डेट ऑफ एनएक्टमेंट का। और जैसे ही वो डेट इसमें इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, ऑफिशियल गजेट में रिलीज होगा, हम लोगों को वेयर एक्ट टेक्स्ट बुक के फॉर्म्स में मिलना शुरू हो जाएगा बुक स्टोर में, जो कि अभी से मिलना भी शुरू हो चुका है। और उसके साथ ही साथ रियल लाइफ कोर्ट्स में भी ये चीजें रियल लाइफ में हम देखेंगे कैसे प्रैक्टिसेबल हो रही है। तो आज की हमारी चर्चा होने जा रही है इसी टॉपिक पे, और आज हम चर्चा करेंगे नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जो कि आई थी 2023 में। ये कैसे आई, क्या हुआ इसमें, क्या चेंजेस हैं, क्या की फीचर्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो है एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत, तो इसीलिए इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को पढ़ के खत्म कर देंगे। आज उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगले वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगा सेक्शन वाइज वीडियोस। आज हम सेक्शन 1 को डील करने वाले हैं बाय द वे। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि ऑनलाइन ही आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हमारी पुरानी सीआरपीसी से नई ये जो सीआरपीसी आई है इसमें क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, और कैसे हम पढ़ें ताकि हमें पुरानी सीआरपीसी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, उसी के कॉन्सेप्ट को यहां पे हम रेप्लिकेट कर लें। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में यही सब मिलने वाला है। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। तो उस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमें पता है, किसी भी टॉपिक को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक जब तक कि हमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन समझ में ना आ जाए कि हमें इस डेप्थ में जाने की जरूरत क्यों है और हमें कितनी गहराइयां नापनी है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। थ्री बिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। लोकसभा जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, दैट सॉट टू रिपेल एंड रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड। वो कौन-कौन से तीन एक्ट थे एग्जिस्टिंग जिनको वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा था? सबसे पहला सर इंडियन पीनल कोड 1860, जो कि ये बताता है कि कितनी सजा किस अपराध के लिए मिलेगी, क्रिमिनल लॉ है। उसके बाद आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्या बताता है कि इंडियन पीनल कोड में जो सजाएं दी हुई हैं उनको किस तरीके से दिया जाएगा, कोर्ट किस तरह काम करेंगे, एफआईआर कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। वो था आपका सीआरपीसी। और उसके साथ ही साथ था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि एविडेंसेस से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डील करता था, वो अपने आप में एक एक्ट था। तो ये तीन एक्ट, अब जरा इसके डेप्थ को समझने की अगर आपको कोशिश करनी है तो आप जरा ईयर्स को देखिए। ये एक्ट था 1860 का, हम अभी आ गए हैं 21st सेंचुरी में, ये 18th सेंचुरी का एक्ट था। उसके बाद आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये देखने में आपको लग रहा है कि ये बड़ा नया लॉ है, ये तो 1970 में ही आया था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1970 में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, अमेंड हुआ था, मेजर अमेंडमेंट इसमें किए गए थे। ये एक्ट ये भी 18th सेंचुरी का है, बाद में चेंजेस कर करके मेजर अमेंडमेंट्स ला के इसको 1973 का जो एक्ट है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, ये भी 18th सेंचुरी का एक्ट है। पहला जो रीजन है ये नए बिल्स को लाने का वो यही है क्योंकि इसको कहा जाता था कि ये ब्रिटिश ईरा का लॉज है, इनको बदलना जरूरी है, क्योंकि इन एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था इस तरीके से ताकि ब्रिटिशर्स क्या कर सकें, इंडियंस पे रूल कर सकें, हमें डोमिनेट कर सकें और हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकें, ताकि उनकी जो आपकी मोनोपोली है वो बनी रहे। और अब हम रहते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और हमारे बीच में मोनोपोली की कोई जगह नहीं है। इसी इंटेंशन के साथ सरकार लेके आई तीन नए बिल। रिप्लेस कैसे हुआ, इंडियन पीनल कोड को सरकार ने रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, सब में साल मिलेगा आपको 2023। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को सरकार ने रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक और ये प्लेलिस्ट की शुरुआत इसी के बारे में है। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को इन्होंने रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब आपको एक बात और यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही होगी कि वहां पे था इंडियन और यहां पे था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहां पे आपको हर जगह मिलेगा भारतीय, जो कि एक बीच में कंट्रोवर्सी साल 2023 की ये भी थी कि क्या इंडिया का नाम बदल के भारत होने वाला है। और फिर हम लोगों ने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, दोनों हमारे देश के नाम है इंडिया और भारत, और हमारे जो पासपोर्ट है उसमें भी ये नाम मिल जाते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सरकार का बड़ा क्लियर इंटेंशन है कि अब वो आगे बढ़ेगी तो भारतीय नाम से ही बढ़ेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। तो इंट्रोडक्शन तो हमें समझ में आ गया सर, इंट्रोडक्शन ने हमें क्या बताया था, इंट्रोडक्शन ने हमें ये बताया कि सर वो तीन एक्ट कौन से थे पुराने वाले, वो कितने पुराने थे, और जो नए एक्ट आ रहे हैं वो कौन से और उनका नाम क्या है। तो आपके दिमाग में नाम सबसे पहले क्लियर रहना चाहिए क्योंकि तीनों भारतीय से शुरू हो रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके बारे में हम डील करने वाले हैं, जो कि कौन है, हम लोग हैं नागरिक और हमारी सुरक्षा को लेकर वो अधिनियम बना है, और वो है हमारा नया सीआरपीसी। चलिए अब जरा मैं इसमें
घुसने से पहले जरा मैं आपको कुछ क्लियर आउट करना चाहता हूं कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ में फर्क क्या होता है। अब सर आप एकदम से कौन से टॉपिक को ले आए? इस टॉपिक को लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क क्या है, कौन सा लॉ प्रोसीजरल लॉ है, कौन सा लॉ सब्सटेंटिव लॉ है, तब आप नई सीआरपीसी या जिसको कह सकते हैं बीएनएसएस जो हमारा नया एक्ट है उसके अंदर आप घुस पाएंगे। तो सबसे पहले जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो कि हाउ ऑफ लॉ, हाउ को डील करता है, और जो व्हाट है ना वो डील करता है सब्सटेंटिव लॉ। एग्जांपल से बताता हूं, सब्सटेंटिव लॉ एक सॉलिड फॉर्मेट ऑफ लॉ है जो कि क्या बताता है कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो आप एक अपराधी माने जाएंगे, वो कहलाएगा सब्सटेंटिव लॉ, वो लॉ जो बता रहा है कि आपका ये काम एक अपराध है। और प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ का एक अल्टरनेट पार्ट है जो ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आपने सब्सटेंटिव लॉ के तहत बताए गए किसी अपराध को किया तो उस अपराध के तहत आपको आखिरी तक सजा तक पहुंचाने के लिए या आपको बेइज्जत बरी करने के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में फर्क है। ये क्या कह रहा है? ये लेज डाउन द वेज एंड मींस बाय व्हिच सब्सटेंटिव लॉ कैन बी इनफोर्स्ड। ये जो प्रोसीजरल लॉ है ये एक क्या है, सब्स्टिट्यूट है सब्सटेंटिव लॉ का। प्रोसीजरल लॉ जो कि आपको क्या बताता है, वो तरीके बताता है कि किस तरीके से जो सब्सटेंटिव लॉ है उसको इन्फोर्स किया जाए। और सब्सटेंटिव लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें सही होंगी, कौन कौन सी चीजें गलत होंगी। ये आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। प्रोसीजरल लॉ का एग्जाम्पल क्या है सर? आज जो हम पढ़ने वाले हैं नई सीआरपीसी, पिछली सीआरपीसी सीआरपीसी है, और सब्सटेंटिव लॉ का क्या है? आईपीसी। जैसे कि आपने देखा होगा आईपीसी में जिक्र है मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड 299 में उसने बताया कि कल्पेबल होमिसाइड कब माना जाएगा और अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड किया तो उसके लिए सजा कितनी होगी। लेकिन सीआरपीसी ये बताता है कि अगर किसी इंसान ने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया तो उसकी एफआईआर कैसे होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, सर उसको आप अरेस्ट कैसे करेंगे, उसको बेल कैसे देंगे, उसका ट्रायल कौन से कोर्ट में चलेगा, वो न्यायाधीश क्या-क्या उसको जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर सकता है, उसको कितने दिन आप कस्टडी में रखेंगे, और आखिरी में उसको सजा कैसे मिलेगी और कौन सी सजा मिल सकती है। ये सारे जिक्र हुए हैं सीआरपीसी में। तो आज हम जिस प्लेलिस्ट को शुरू करने जा रहे हैं और आज जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जो कि हमारी नई सीआरपीसी है, वो एक प्रोसीजरल लॉ है। तो हम इसमें जो डील करने वाले इस प्लेलिस्ट में, हम सारे प्रोसीजर्स के बारे में डील करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग में क्लियर है। अब मेरे पीछे आपको दिख रही है एक बड़ी हिस्टोरिक फोटो। ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के। सर के बारे में आपको क्या जानना है? ये फोटो मैंने कहीं रैंडम डाउनलोड नहीं है, ये फोटो तभी की है जब जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ हमारी नई सीआरपीसी के बारे में बता रहे थे। ये उसी वक्त है, ये पार्लियामेंट की फोटो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस फोटो मैंने यहां पे क्यों लगाई फोटो? सर मैंने इसलिए लगाई ताकि आपके दिमाग में रेलेवेंस एकदम क्लियर आउट बैठ जाए कि हाँ हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आपके दिमाग में एक मेमोरी स्टोर हो जाए। तो पार्लियामेंट में ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसा कि अभी पता है रिसेंट में क्या चल रहा है, हिट एंड रन केस को लेकर 3 दिन तक इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जितने भी ट्रक और बस ड्राइवर्स थे। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं क्योंकि नया लॉ आया है, लोगों को प्रॉब्लम है। इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, ये वीडियो लेक्चर उसको डिस्कस करने के लिए सही पार्ट नहीं है। जब हम उस प्रोविजन पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, अब जरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या कहती है। टाइमलाइन से मेरा मतलब क्या है? टाइमलाइन से मेरा मतलब है कि कौन से समय क्या हुआ, 2023 में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई कि आज हमारे हाथ में सीआरपीसी की नई बेयर एक्ट आ गई। सर वो कौन सी ऐसी सुबह थी, हम किसका मुंह देख के उठे थे, किसका मुंह देख के सोए थे कि हमारी जिंदगी में ऐसी तबाही मची कि हमने 2 दिन पहले ही तो सीआरपीसी पढ़ के रट के खत्म करी थी, अब एकदम से नई आ गई है। तो जरा तारीखों पर ध्यान डालते हैं। 11 अगस्त 2023 यानी कि 11th of August 2023 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पहली बार बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाय अमित शाह सर, जो कि है ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन लोकसभा। यानी कि 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में अमित शाह जी ने क्या किया, ये जो सीआरपीसी था और उसके साथ साथ बाकी के एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। तारीख याद रखिएगा 11 अगस्त। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है 12 दिसंबर 2023 की। ये अगस्त के बाद हम सीधे दिसंबर में कैसे आए? मैं बहुत ज्यादा तारीखें आपके लिए लेके नहीं आना चाहता था, जो मेजर डेट्स हैं आपको पता होने चाहिए, बीच में इवेंट्स क्या हुए वो मैं आपको बता देता हूं। तो 12 दिसंबर 2023 को ये जो बिल आया था जिसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया। विड्रॉ मतलब वापस ले लिया गया। अब यहां से लोगों को लगा कि अब इसको वापस ले लिया गया है तो इसका मतलब है अब आने में साल बार और लगेगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे। इन दोनों डेट्स के बीच में क्या हुआ था? इन दोनों डेट्स के बीच में एक स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की जो कि फॉर्म करी गई थी, इसमें 30+ मेंबर्स थे, उन लोगों के पास इस बिल को भेजा गया था जिसमें उन लोगों ने उसको एनालाइज किया और बताया कि इसमें क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए। जब वो सारे चेंजेस उन लोगों ने बता दिए तो सरकार ने उन चेंजेस को लिया, उस पे अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग था उसको अप्लाई किया और जो भी चेंजेस उनको जरूरी लगे वो इंप्लाई किए और फिर वो नया एक्ट लेके आए। तो इस डेट से इस डेट तक
ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक क्या हुआ ये आपको पता चल चुका है। ये जो स्टैंडिंग कमिटी थी उस स्टैंडिंग कमिटी में ये बिल पड़ा हुआ था और वो लोग क्या कर रहे थे इसके ऊपर थॉरो डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को इसको वापस लिया गया और 12 दिसंबर 2023 को ही भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकसभा में। यानी कि जो चेंजेस स्टैंडिंग कमिटी ने बताए थे उस चेंजेस को इंप्लाई किया जितना भी उनको जरूरी लगा, पुराने वाले को वापस लिया और नए वाले को तुरंत उसी दिन क्या किया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है सर। उसके बाद आया तारीख 20 दिसंबर 2023 यानी कि ठीक 8 दिन बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड जो बिल था 2023 वो लोकसभा में पास हो गया। यानी कि 20 दिसंबर को ये जो बिल था वो लोकसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से ये पास हो गया। फिर आगे क्या हुआ सर उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। फिर डेट आती है 21 दिसंबर 2023 की यानी कि उसके ठीक अगले दिन। उसके बाद ये राज्यसभा में भी पास हो गया सर। उसके अगले दिन ये राज्यसभा यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के सीधे-सीधे पास हो गया क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपने जो भी रिकमेंडेशन थे वो दे दिए थे। अब इसमें कितना डिस्कशन हुआ वो होना सही था कि गलत इस बारे में मेरा कोई ओपिनियन देना सही नहीं है और इस बारे में आपको भी अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल आपका प्राइम फोकस ये होना चाहिए क्योंकि ये जो नया एक्ट है जिसको आना जरूरी था वो हमारे रियल लाइफ में इंप्लीकेट कैसे हो रहा है। उसके बाद आता है 25 दिसंबर यानी कि ठीक 4 दिन बाद यानी कि क्रिसमस का दिन। बिलेटेड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। उस दिन क्या हुआ प्रेसिडेंट का असेंट। जैसा कि आपको पता है कोई भी एक्ट एनफोर्सिएबल तब हो पाता है जब उसमें प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए और 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया इस एक्ट को। तो सबको ऐसा लगा कि शायद 1 जनवरी न्यू ईयर से ही हमारे हाथ में एक नई बेयर एक्ट होगी लेकिन अभी तक डेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो सरकार ने डिक्लेयर नहीं करी है। सेक्शन नंबर 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हमें ये बताता है उसका क्लॉज 2 या क्लॉज 3 कि सर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डेट डिसाइड करेगी उस डेट से वो एनफोर्स होगा। ठीक है सर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। एक तारीख मैंने यहां हाईलाइट करके रखी है वो है नवंबर 10 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगस्त से दिसंबर तक क्या चला तो बीच में देखिए स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था नवंबर 10 2023 को। ये कुछ डेट थी जो आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे कि हां यार 2023 में अगर मुझसे मेरे बच्चे पूछेंगे कि ये नया एक्ट कैसे आया था तो मैं बता पाऊंगा कि इस तारीख से इस तारीख तक ऐसा कुछ कुछ हुआ था, अगस्त से माहौल शुरू हुआ था बनना और आज हमारे पास ये नया एक्ट है। ठीक है सर टाइमलाइन हमारे दिमाग में क्लियर है। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप पहले कभी किसी समुद्र में या किसी पानी की बॉडी में पहली बार तैरने उतर रहे हैं तो पहले उसकी गहराई उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई को नाप लेना चाहिए ताकि आप सही सलामत तैर के उससे बाहर निकल जाए। तो इसलिए इस एक्ट में इस वीडियो लेक्चर सीरीज में घुसने से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हम कितनी गहराई में जा रहे हैं, इस एक्ट में कितने बदलाव हुए हैं और एक्चुअल में हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चर्चा हो रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको मैं बार बार आपको क्या रहा हूं न्यू सीआरपीसी ताकि जो बच्चा बीच से वीडियो लेक्चर को फॉरवर्ड करके देखते हैं उनको एकदम से हार्ट अटैक ना आ जाए कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है हमें तो नहीं पता था। तो उनके लिए है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें कितने हैं 531 सेक्शंस। सेक्शंस बड़े हैं 531 सेक्शंस हो गए हैं टोटल इस वक्त जो नई सीआरपीसी है उसमें, जिसमें से 177 सेक्शंस को क्या किया गया है रिवाइज किया गया है। अब आप समझने की कोशिश करिए आपको कई लोग ये बात बताएंगे कि जो पुरानी सीआरपीसी थी उससे नई सीआरपीसी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बात सही है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन उसके बावजूद 177 सेक्शंस को रिवाइज किया गया है यानी कि उसमें कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस तो हुए ही हुए हैं, कुछ चीजों को हटाया गया है कुछ चीजों को जोड़ा गया है। इसका मतलब 177 सेक्शंस ऐसे हैं जिनको आपको नया तरीके से याद करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। सीरियल नंबर सभी सेक्शंस का बदल गया है तो आपको सीरियल नंबर तो स्क्रैच से याद करना है लेकिन कॉन्सेप्ट के फॉर्म में 177 सेक्शंस को देखना पड़ेगा। उसके बाद सर न्यू सेक्शंस कितने हैं 9 नए सेक्शंस को ऐड किया गया है। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर 9 सेक्शंस आए हैं और उसके साथ ही साथ 14 सेक्शंस को क्या कर दिया गया रिपील कर दिया गया यानी कि 9 ऐसे सेक्शन है जो आपको पिछली सीआरपीसी में जिनके बारे में सुनने को भी नहीं मिला था और 14 ऐसे सेक्शंस हैं जो आपकी पुरानी सीआरपीसी में तो थे, यहां पे कोई चेंजेस ही नहीं वो है ही नहीं यानी कि चेंजेस तो दूर की बात है उनको एज इट इज हटा दिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 531 सेक्शन में चेंजेस है और 14 सेक्शंस को हटा के नए 9 सेक्शंस को ऐड किया गया है। अब मेजर चेंजेस क्या क्या है सर जरा सीआरपीसी के बारे में वो भी देख लेते हैं एक बार जरा मुआयना कर लेते हैं इस वाटर बॉडी का इस गहराई का कि दूर दूर से पत्थर फेंकने में कितनी आवाजें आके समझ में आ रहा है कि कितना गहरा जाएगा। चलिए जरा आइडिया लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहला क्या है भाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 8 सर सेक्शन नंबर 8 सीआरपीसी का हमें बताता था कि किसी भी एरिया जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा होगी तो उस एरिया को कहा क्या कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया और फिर हमें आगे के सेक्शन से बताते थे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन बैठेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं। कई लोग इसमें डाउट पूछते थे मुझसे क्लास में कि सर ऐसा डिफरेंशिएशन करने का पॉइंट क्या है नाम ही तो बदला है फंक्शन तो सेम है।
तो उनको मैं बहुत सारी चीजें समझाता था, लेकिन अभी मुझे वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे अब वो एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन हो या ना हो, 1 मिलियन से ज्यादा हो या कम हो, वहां पे जो बैठेंगे वो लोग वो क्या होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होंगे, और मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्लॉज अब यहां नई सीआरपीसी से हटा दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 हमें क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब जैसा कि हमें पता है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अब हर चीज यानी कि टेक्स्ट मैसेजिंग हर चीज एक बहुत ही क्विक हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक मोड और मीडियम से हो चुकी है, तो इसीलिए अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को बहुत लार्ज स्केल में इंप्लीकेट किया गया है। कहां पे? कहां पे सर? नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि नई सीआरपीसी में। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज की पहली डेफिनेशन ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आएगी, आपको थोड़ा सा हिंट है, अगर आप चाहें तो जाके उसको घर पे पढ़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या हुआ है सर? समन इशू करना, FIR एक्सेट्रा, जिसका जिक्र नीचे भी है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लग गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे प्रोसीजर्स को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारी नई सीआरपीसी में। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बता रहा है? FIR जो कि एक सीआरपीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, सेक्शन नंबर 154 में है क्या, या आप मुझे बता सकते हैं? तो FIR जो था वो उसमें क्या किया गया, चेंजेस किए गए। जैसा कि मैं क्लास में कई बच्चों से पूछता था कि FIR कितने तरीके की हो सकती है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीरो FIR एक केस के थ्रू हम पढ़ते थे कि एक जीरो FIR का क्लॉज होता है। आप में से जो लोग नहीं जानते जीरो FIR क्या होता है, FIR आप रजिस्टर कर सकते हैं उस जगह पे जो आपके जहां पे हैपनिंग हुई है, उस एरिया के जो ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस स्टेशन है वहां पे FIR रजिस्टर होगी। लेकिन जीरो FIR का क्लॉज ये कहता है कि अगर आपके साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके किसी भी पुलिस थाने में क्या करेंगे, जीरो FIR आप जाके वहां पे लिखित करवाएंगे, और वो थाने का काम होगा कि आपके लोकल थाने में वो क्या कर दे, FIR लिख के भेज दे। तो जीरो FIR के कुछ एक्सप्रेस प्रोविजंस आ गए नई सीआरपीसी में, उसके साथ ही साथ EFIR। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो हमने वीकली लाइव में आपको बताया था कि लॉ कमीशन की 282nd रिपोर्ट जो आई थी, 282nd जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसको जस्टिस अवस्थी है, उन्होंने उस रिपोर्ट को निकाला था, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी FIR होनी चाहिए। 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अभी इलेक्ट्रॉनिक FIR का काम शुरू हो चुका है, वो कौन से हैं अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उनके बारे में भी जिक्र है कि EFIR के क्या प्रोसेस रहेंगे और किस तरीके से EFIR को इंट्रोड्यूस करना है। आगे बढ़ते हैं सर, और क्या चेंजेस है हमारे पास? टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर्स, यानी कि कई सारे टाइमलाइंस दे दिए गए हैं अलग अलग प्रोसीजर के। जैसे कि अगर आपका जो कंक्लूड हो चुका है हियरिंग, यानी कि कोर्ट में जाने के बाद दोनों के साइड को सुन लिया गया है, तो उसमें कुछ टाइम दे दिया गया कि इतने दिनों के अंदर जजमेंट देना कंपलसरी होगा। इस तरह के नए टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। ये क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि कम्युनिटी सर्विस, यानी कि अगर किसी इंसान ने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, आप उसको कहीं जेल भेजने की जगह कोई कम्युनिटी सर्विस उसके ऊपर इंपोज कर दीजिए कि उसको ये काम करना पड़ेगा कि 500 लोगों को पानी पिलाना पड़ेगा या इतने लोगों में कंबल बांटने पड़ेंगे, वो भी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एड हो चुका है। उसके साथ ही साथ आता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे अपराध जिनका अपराध का ड्यूरेशन, यानी कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें उसकी सजा जो है 7 साल से ज्यादा की बनती है, इस तरह का है, मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा हूं, उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी। इस तरह के क्लॉजेस भी ऐड हो गए हैं। और क्या चेंजेस है सर? अंडर ट्रायल्स का डिटेंशन। अब यहां पे क्या बोल रहा है सर कि अगर कोई अंडर ट्रायल बार-बार अपराध करता है या कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस में अपराध करता है तो उसको डिटेन और भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए किया जा सकता है। उसमें भी कई सारे नए क्लॉजेस को ऐड किया गया है। उसके साथ हमारे पास आता है 8वां पॉइंट, यूज ऑफ हैंडकफ्स। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो कौन से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसका केस का साइटेशन आप मुझे बताएंगे, लेकिन वो जजमेंट ये कहता था कि जब तक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंट या नेसेसरी ना हो किसी इंसान को हैंडकफ ना पहनाया जाए। लेकिन सीआरपीसी क्या कर रहा है, एक तरह से ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, क्योंकि नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक सेक्शन बताता है कि हैंडकफिंग करी जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन है वहां पे। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो गई, क्योंकि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लेजिस्लेचर हमेशा पंगे चलते रहते हैं। रिसेंटली जैसे कि दिल्ली का जो आपका ऑर्डिनेंस बिल था, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, उसमें भी लेके हमने ये चीज देखी। आगे भी हम ऐसी चीजें शायद देखते रहेंगे और ये शायद थ्रू आउट लाइक अ सागा, सागा इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग स्टोरी, वो चलता ही रहेगा हमारी लाइफ में। 9वां पॉइंट क्या बता रहा है सर? सैंपल्स विदाउट अरेस्ट। सैंपल्स का मतलब क्या है कि बिना अरेस्ट के मजिस्ट्रेट जो है किसी भी पर्सन अक्यूज्ड को या विटनेस को ऑब्लिगेट कर सकता है कि आप सैंपल सिग्नेचर दीजिए या सैंपल थंबप्रिंट दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के लॉज को भी ऐड किया गया है। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ू, मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं। कई बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये हमारे एग्जाम के सिलेबस में कब से आएगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले 2-3 महीनों में है, उन लोगों के सिलेबस में इसका ऐड होना जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम भी देना जरूरी है और अभी तक तो इसका एनफोर्समेंट डेट भी नहीं आया। कई बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे एक बात बताइए कि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे पढ़ें, पुरानी सीआरपीसी को कैसे पढ़ें। मैंने जितना अभी तक आपकी नई सीआरपीसी को एनालाइज किया यानी कि BNSS को, मुझे ये बात समझ में आई है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। आपको एक नए टेबल और नए चार्ट्स के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी नया वाला एक्ट भी समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या चैप्टर 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हिस्टोरिक डे सर, क्यों? क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं
TNSS 2023 का एक वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम अभी शुरू करेंगे चैप्टर 1 का सेक्शन 1 आज डिस्कस होगा। उसके बाद कल के वीडियो से यानी अगले वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आगे के सेक्शंस। तो भाई अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 1 और चैप्टर 1 में ऐसा कोई खास चेंज है ही नहीं, इनफैक्ट चेंज ही नहीं दिखेगा। क्या कह रहा है सर? पहली बात तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, मैंने स्क्रीनशॉट्स क्यों लगा रखे हैं बैर रख के, क्योंकि आप लोग सीधे सीधे कंप्लेन करते हैं कि आप लोग खुद से क्यों लिख देते हैं, वर्ड्स चेंज होते हैं, होता नहीं है लेकिन कुछ बोलना है तो आप लोग बोल देते हैं, तो हमने कहा ठीक है फिर हम एज इट इज बैर रख को ही लगा देते हैं। ये क्या कह रहा है? अब बिल क्यों कह रहा है? इस वक्त ये एक्ट बनने की कगार पे है, ये मैंने लिया है तब जब ये लोकसभा से पास हुआ था तब, क्योंकि राज्यसभा से अगले दिन ही पास हो गया था तो कोई टेंशन की बात है नहीं। ये बिल है, इसका इंटेंशन क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो लॉ है उसको कंसोलिडेट करना है और उसको अमेंड करके एक नया लॉ लेके आना है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है। अब आगे क्या कह रहा है? बी इट इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ये क्या कह रहा है? इस तरीके से इसने क्या किया है, अमेंड हुआ है 74th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एज फॉलोज, क्योंकि हमारे आगे के सेक्शंस इसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी तक कोई बदलाव ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 1 जो कि है प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसका सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये हमारा पहला चेंज है, क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या कह रहा था? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, लेकिन अब से क्या कहलाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो पहला चेंज हमने मार्क आउट कर लिया है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, चेंज मिला है सर। उसके बाद सब क्लॉज 2 पूरा का पूरा एज इट इज वैसा है सर, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? ये क्या बताता है सर? कि ये जो है द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, संहिता हर जगह आपको लिखने मिलेगा, कोड नहीं मिलेगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9 11 एंड 12 thereof shall not apply to the state of Nagaland and to the tribal areas। ये क्या कह रहा है कि इन तीन जो chapters हैं उनको छोड़ के इस act का, इस संहिता का कोई भी जो नियम है वो लागू नहीं होगा। किसके ऊपर लागू नहीं होगा? state of Nagaland पे लागू नहीं होगा और किसी भी tribal area पे लागू नहीं होगा। लेकिन इसका एक exception हमें आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक आप इस बात को clear रखिए। आपको दो चीजें interesting दिखी होंगी, संहिता दिखी होगी। संहिता का मतलब क्या है? अब हिंदी भाषा को क्या किया जा रहा है? बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या कह रहा है? मैंने जैसा एक्सेप्शन की बात करी थी, बट आ गया। बट का मतलब हमेशा क्या होगा? बट का मतलब हो गया एक्सेप्शन, लग गया एक एक्सेप्शन। क्या कह रहा है? बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जो वहां की राज्य सरकार है, मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरिया एज द केस मे बी विद सच सप्लीमेंट इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे बताया गया था कि स्टेट ऑफ नागालैंड पे और किसी ट्राइबल एरिया पे ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के पूरे स्टेट में या केवल उस स्पेसिफिक एरिया में या किसी स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया में इस एक्ट के पूरे एक्ट को इंप्लीकेट कर सकती है या उसके कुछ प्रोविजंस को भी इंप्लीकेट कर सकती है, और अगर वो चाहे तो जिन प्रोविजंस को वो इंप्लीकेट कर रहे हैं उस एरिया में उसमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, बस उनको नोटिफिकेशन में ये बात डिक्लेयर करनी होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अब ये सेक्शन क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरिया मींस द टेरिटरीज व्हिच इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ असम एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल। हमें कहां जाने की जरूरत है? 6th शेड्यूल में आपको जहां मिलेगा वहां पे आपको ट्राइबल एरिया मान लिया जाएगा। ठीक है सर, यहां पे शिलोंग के बारे में जिक्र है, ये हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुरानी सीआरपीसी का एज इट इज कॉपी फॉर्मेट है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसेक्शन 3, यानी कि सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 3 सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट, यानी कि सरकार का अखबार जब वो निकालेगा और उसमें वो जो डेट बताएगा, जो डेट डिक्लेयर करेगा, उस तारीख से मान लिया जाएगा कि ये जो नई संहिता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वो हमारे लिए लागू हो चुकी है और आज से उसी को फॉलो किया जाएगा। तो आज हमने सेक्शन 1 को कवर किया और हमने समझने की कोशिश करी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा है क्या, तो सर एक प्रोसीजरल लॉ है, कैसे अलग है, क्या मेजर चेंजेस हैं और उसकी टाइमलाइन क्या थी, किसने इंपोज किया, कितनी तारीखों को क्या हुआ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 2 को। लेकिन अभी जाते जाते मुझे आपसे कुछ चर्चा करते हुए जाना है, वो चर्चा क्या है? थैंक यू मैंने पीछे लगा दिया है क्योंकि थैंक यू हो चुके हैं हम, बस हमें आपको बजाते जाते ये बताना है कि आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर जिस तारीख से क्या ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई उस तारीख से जो पुराने केस इंस्टीट्यूट हुए हैं सीआरपीसी के तहत उनका क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, ये बहुत आपकी डिल्यूजनल चीज है क्योंकि जो
ऐसे एक्ट हैं जो कि अभी लागू हैं, जिन पे पुराने केस उन एक्ट के तहत चल रहे थे, उनको उन्हीं के तहत चलाया जाएगा। लेकिन जो मेजर की चेंजेस हैं, जो कि जिन्होंने किसी चीजों को कंप्लीटली बदल दिया है, वो चेंजेस नई जो सीआरपीसी आई है उसके तहत लागू हो जाएंगे। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहां भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठे हुए, उन सबको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। ऑल्दो जो मैटर है वो हो सकता है पुरानी सीआरपीसी के किसी प्रोविजन के तहत चल रहा हो। यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरह स्मूथ गोइंग तरीके से एक इफेक्ट में लेके आती है, ताकि पुरानी वाली बहुत आसानी से चली जाए और नई वाली बहुत आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।